हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय राठौर। इसी के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन अभय राठौर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे ग्रुप डी के बारे में। तो दोस्तों, अभी न्यू जानकारी मिला है कि 80,000 से अधिक पद आने की फुल संभावना है 2022 के मार्च मंथ में। तो जो भाई लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना तैयारी खूब बढ़ा दीजिए, क्योंकि मार्च मंथ मात्र 4 महीने बचा है आने के लिए। 4 महीने बाद मार्च मंथ आ जाएगा तो वैकेंसी भी आ जाएगी, लगभग फुल संभावना है, क्योंकि पिछले 2 वर्ष से रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं आई है। अब बल्कि 2019 के जो एग्ज़ाम था वो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन उसका भी एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि रेलवे ग्रुप डी के बारे में। तो रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी 2022 में मार्च मंथ में आ जाएगा, तो वैकेंसी बहुत ही पावरफुल रहेगी। और ट्रैक मैनेजर, पॉइंट्समैन, इनकी वैकेंसी ज़्यादा ही आने वाली है। इनकी हम एग्ज़ाम का प्रोसेस बताते हैं। इनका एग्ज़ाम दोस्तों, इसमें तो अंग्रेजी होता नहीं है। ग्रुप डी के एग्ज़ाम में अंग्रेजी का क्वेश्चन एक भी नहीं आता। रही बात, इसमें मेन भूमिका रहती है रीजनिंग, मैथ और साइंस। दोस्तों, जीके और करंट अफेयर्स में आप ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, क्योंकि इसमें ध्यान देना बेवकूफ़ी है, चुतियापा है। दोस्तों, जीके से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता और करंट अफेयर से। आपके जीके और करंट अफेयर पढ़ने में आपका समय बर्बाद हो सकता है, क्योंकि जो मेन इसमें पास होने की भूमिका है, या जनरल कैटेगरी एग्ज़ाम दिलाए, या यूआर, या अन्य कैटेगरी जैसे कि एसटी ओबीसी, इन सभी के लिए मैं बता देता हूँ। इन सभी को यदि रेलवे ग्रुप डी में जॉब चाहिए तो आपको रीजनिंग और मैथ और साइंस, इन सभी में ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों, इनका जो लेवल रहता है, इनका जो क्वेश्चन रहता है मैथ, रीजनिंग और साइंस का, इनका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता है। इन तीनों के मुकाबले बात करें तो ये करंट अफेयर्स और जीके का क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, और रेलवे तो तत्कालीन क्वेश्चन पूछता है जो कि नॉलेजफुल बंदे के लिए रहता है। तो इसमें दोस्तों, इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड से बच्चे काफ़ी रेलवे ग्रुप डी में जॉब करते हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड के हिसाब से पढ़ाई भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसमें बात ऐसा कुछ नहीं रहता दोस्तों, जैसे एक आर्ट वाले भी इसमें जॉब लेते हैं, कोई 10वीं बैच में भी जॉब लेता है, कोई 12वीं बैच में जॉब लेता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इसमें आईटीआई वालों का फुल भूमिका रहता है, लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आईटीआई नहीं है, तो क्योंकि कई बंदों का मैं इंटरव्यू देखा हूँ, बिना आईटीआई वाले लोग भी इसमें जॉब लेते हैं, जैसे कि गेट मैन और ट्रैक मैन, इसमें बिना आईटीआई लोगों का भी लग सकता है, यदि आपका एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आने की स्कोर बनाते हो। क्योंकि दोस्तों, ये जो ट्रैक मैन है और जो गेट मैन है, इसमें आईटीआई वालों का बहुत ही कम काम रहता है, क्योंकि इसमें का काम मेहनती रहता है और इंडेफिनेट टाइप का रहता है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा डिफ़ॉल्ट जॉब में वाले बात के लिए तो ज़्यादा कठिनाई नहीं रहती इसमें, इसमें मेहनत ज़्यादा रहता है। देखिए दोस्तों, आपको ट्रैक मैनेजर में 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलना पड़ता है, एकदम हार्ड वर्क है दोस्तों। तो और रही बात पॉइंट्समैन की, तो पॉइंट्समैन में भी आईटीआई लगता है और नहीं लगता, वो इतना भी कन्फर्म पता नहीं है दोस्तों, हम बता देंगे आपको। और बात करने वाले हैं हम एग्ज़ाम के बारे में, तो इसका एग्ज़ाम 100 क्वेश्चन का रहता है और इसका टाइम 90 मिनट्स रहता है। तो बात करेंगे हम इसका कटअप की, तो जनरल कैटेगरी के लिए 75 और 65 एसटी एससी, और ओबीसी के लिए इसमें होता है कि दोस्तों एसटी एससी में यदि 50+ रहता है तो आपका जॉब लगने का फुल संभावना रहता है, और 60+ रहता है तो फिर तो लगना उचित है, लेकिन जनरल कैटेगरी वालों के लिए बहुत ही कठिनाई रहता है। कई बंदे 75 75 77 भी ला लेते हैं, तो उनका वेटिंग लिस्ट बता देता है दोस्तों। इसमें मेहनत तगड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि ऑल इंडिया बेस से फॉर्म डालता है दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में, और पोस्ट लगभग 80,000 आती है, कभी 1 लाख, कभी 1.5 लाख आती है। तो इसमें हर जॉन्स द्वारा
और हर जंक्शन द्वारा और बॉर्डर द्वारा विभाग बढ़ जाती है दोस्तों। तो ट्रैक मिनिटर का 40 से 30 हज़ार पद रहता है ऑल इंडिया बेच में, और इसमें फॉर्म तो लगभग कई लाख डलते हैं, कई लाख फॉर्म। वैकेंसी 60 से 70 हज़ार रहती है, लेकिन फॉर्म लाखों से ऊपर डलते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए मुकाबला और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो जो बंदे ने 3 साल 4 साल लगड़ के तैयारी की है उनका भी लगना इसमें असंभव रहता है, क्योंकि वो लोग ध्यान से भटक जाते हैं, हिम्मत हार चुके रहते हैं। और जो बंदे 2 महीने की तगड़ी तैयारी कर लेते हैं उनका जवाब लगना संभव हो जाता है। तो दोस्तों इसमें डिफ़ॉल्ट नहीं बोलता कि 4 साल पढ़िए या 2 महीने पढ़िए, क्योंकि इसमें दोस्तों होता क्या है, जिसकी माइंड जितनी बोल दे एग्ज़ाम के समय वो बंदा उसी एग्ज़ाम को क्लियर करेगा। इसमें होता क्या है दोस्तों, मेन दिक्कत इसमें जो माइंडेड बच्चे रहते हैं, जो कि 2 साल से पढ़ते रहते हैं माइंडेड बच्चे, उनका लगना संभव है। और जो एकदम गधे से गधे बच्चे, मैं देखे तो सॉरी मैं उनका बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एकदम गधे अपने पढ़ाई से नहीं होते, गधे तो अपने माइंड से होते। होता क्या है दोस्तों, कई लोग बंदे लोग फॉर्म डालने के बाद तैयारी करते, इनका लगना बहुत ही कम चांस रहता है। अब मैं तो बोलता हूँ कि नहीं लगता, क्योंकि दोस्तों जो बंदा 4 साल से तैयारी कर रहा है और जो बंदे ने कल फॉर्म डाला है आज एग्ज़ाम दिला रहा है, इससे आप खुद डिसाइड कर लीजिए दोस्तों कि किसका लगे। जो बंदा तैयारी करता है उसी का लगता है। तो निरंतर अभ्यास के साथ डेली आप तैयारी करते रहो, आपका जॉब में लगना संभव है। तो धन्यवाद दोस्तों, हम जितनी जानकारी थी हम उतना बता दें। और अभी हाल ही में ग्रुप सी का भी फॉर्म डल रहा है, तो आप अपने नज़दीकी ऑनलाइन सेंटर या खुद मोबाइल से फॉर्म डाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।